वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट गुरु BKS। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। BKS क्रिकेट कोचिंग मैनुअल बुक, इस किताब को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। BKS ग्लोबल क्रिकेट अकेडमी, यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ थ्योरी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। हरी अप, आज का हमारा टॉपिक है विकेट कीपिंग क्राउच पोजीशन। हाउ टू टेक क्राउच पोजीशन। जब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग करेगा तो विकेट कीपर को किस तरह से अपना क्राउच पोजीशन लेना चाहिए। पहला, आउटस्विंग बॉल पे किस तरह से पोजीशन लेना चाहिए। जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, विकेट कीपर ऑफ स्टंप से पीछे खड़ा है, वो भी थर्ड और फोर्थ स्टंप लाइन पे। विकेट के पीछे खड़ा होना है पिच के बाउंस के अकॉर्डिंगली। जैसा पिच का बाउंस रहेगा वैसे उस तरह से विकेट कीपर को अपने स्टेप्स को मेजर करना चाहिए। बॉलर का पेस से भी अपना विकेट कीपर को स्टेप्स मेजर करना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर कोई 110 के स्पीड में बॉल फेंक रहा है तो विकेट कीपर को 10 स्टेप पीछे रहना चाहिए। वही 130 का रहेगा तो वह 12 से 15 स्टेप पीछे रहना चाहिए। यह क्राउच पोजीशन राइट आर्म ओवर द विकेट के लिए है। अब राइट आर्म बॉलर अगर ओवर द विकेट फेंकेगा तो इन स्विंग में किस तरह से विकेट कीपर को क्राउच पोजीशन लेना चाहिए। जैसे इस फोटो में देख पा रहे हैं, अब विकेट कीपर ऑफ स्टंप के लाइन पे खड़ा हो गया है। राइट हैंड बैट्समैन है, इन स्विंग बॉल में भी और पिछले आउट स्विंग बॉल में भी, इसको ध्यान में रखें आप लोग। इस तरह का क्राउच पोजीशन राइट आर्म बॉलर के टाइम पे करना है जो कि इन स्विंग डाल रहा हो राइट हैंड बैट्समैन को। स्टेप्स को पिच के पेस और बॉलर के पेस के अकॉर्डिंगली मेजर करना चाहिए। अगर पिच स्लो है तो फिर विकेट कीपर को थोड़ा आगे आ जाना चाहिए। जिस तरह का सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से विकेट कीपर को एडजस्ट करना चाहिए अपने स्टेप्स को। अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो विकेट कीपर को दिक्कत होगी बॉल को कलेक्ट करने में। एक दो बॉल में ही विकेट कीपर को एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने स्टेप्स को। अब हम मेजर डिफरेंस सीखेंगे इस दोनों में। जैसे कि पहले पिक्चर में विकेट कीपर आउटस्विंग बॉल पे क्राउच पोजीशन लिया है, इसमें वह ऑफ स्टंप से दूर खड़ा है यानी कि थर्ड और फोर्थ लाइन स्टंप में। वही जब इनस्विंग बॉल आ रही है तो विकेट कीपर ऑफ स्टंप के लाइन में खड़ा है। यह दोनों क्राउच पोजीशन राइट हैंड बैट्समैन के समय करना है। अगर बॉल आगे गिर रही है बार बार तो विकेट कीपर को एक स्टेप आगे आ जाना चाहिए। इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं।